आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अरे विपक्ष तो ऐसे ही बोलते रहेगा, जो बुझाता है वो बोलता है। राहुल गांधी क्या है? भारत कब टूटा है कि जोड़ो कर रहा है? बीजेपी वाले फौजियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अब चुप हो गए। दो चार फिर बम फेंक देंगे और क्या, खाली जगह पे। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर जो वोट पड़ेंगे ना आपके, वही पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज संसद में विशेष सत्र के लिए पहले दिन आज फोटो सेशन हुआ, कई ऐलान किए मोदी जी, नरेंद्र प्रधानमंत्री जी भावुक भी हुए, लेकिन कर्मचारी जो संसद के हैं उनको एक ड्रेस कोड लाया गया जिस पे विपक्ष काफ़ी आपत्ति जता रही है। ड्रेस कोड में ये है कि उसमें गुलाबी फूल, जिसे गुलाबी रंग से कमल के फूलों की डिज़ाइन है, महिला जो कर्मचारी उनकी साड़ियाँ हैं, और जो जेंट्स हैं उनको कोड दिया गया है क्रीम कलर का। तो उस पर विपक्ष आपत्ति जता रही है कि कमल का फूल जो है बीजेपी का चुनाव छीने, और ये गंदी रणनीति है, राजनीति है, जिसको वो अपने चिन्ह को दर्शा रही। तो इस पर चर्चा करते हैं लोगों से, उनका क्या मानना है और वो क्या चाहना चाहते हैं। अरे विपक्ष तो ऐसे ही बोलते रहेगा, जो बुझाता है वो बोलता है। राहुल गांधी क्या है? कुछ नहीं है। और कभी प्रधानमंत्री बनेगा? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, वो गारंटी है। राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सोनिया गांधी जानबूझकर नहीं बनी। कैसे जानबूझकर नहीं बनी? मनमोहन भी बताइए, मीडिया वाले हैं, मनीष कश्यप को जेल दे दिया गया, उसके बारे में आप बोलिए ना। हाँ, लेकिन हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि संसद में आज जो कर्मचारी हैं वहाँ पर करने वाले, उनके कपड़ों को कमल का फूल सजा दिया है। हाँ, उसमें क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि अपने चुनाव चिन्ह जो है अपने दर्शा रहे हैं। विपक्ष कहाँ है, कहाँ? हाँ। G20 का सम्मेलन हो रहा था, राहुल गांधी कहाँ था? हम खोज रहा था राहुल गांधी को। हाँ, सम्मेलन में कैसे प्रधानमंत्री बने, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा ये बताइए ना पहले हमको। कैसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? वो नेता लोग के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ, तब ना वो कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है। मोदी जी के साथ रहकर प्रधानमंत्री? हाँ, विपक्ष को साथ साथ घूमना पड़ता है, तब नॉलेज होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने, पूरा देश घूम लिया। आप कह रहे हो देश में ही नहीं रह रहे हैं। भारत कब टूटा है कि जोड़ो कर रहा है? भारत नहीं टूटा है, कुछ नहीं टूटा है। वो तो कह रहे हैं पूरा टूटा हुआ है धर्म के नाम पर। ये सब गलत गलत तत्व है, कुछ नहीं टूटा है ना जुटा है, ये तो पहले से भारत है। अच्छा, हाँ पहले से भारत है जुड़ा, तो भारत जोड़ो यात्रा ऐसी जोड़ देते हैं। अरे प्यार का पैगाम दे रहे हैं मोहब्बत। ये लोग कांग्रेस का यही है, ये है कांग्रेस का, ये राहुल गांधी का कोई माइंड नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनेगा कैसे ये बताइए तो हमको, कोई माइंड नहीं है। उन्होंने इतने विदेश कैम्ब्रिज से वो पढ़ा, किस मार रहा है, और विदेश में जाकर बोल रहा है कि इंडिया में रेप हो रहा है। वो प्रधानमंत्री के लायक है? इंडिया में रेप हो नहीं रहे हैं, वो जाकर विदेश में बोलेगा। हम लोग का देश का शिकायत, वो प्रधानमंत्री के लायक है? ये तो बताइए हमको, देश में तो सुन ही नहीं रहे। वो बोल रहा है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। हाँ, कश्मीरी ब्राह्मण को उसका ही शासन काल में उसका बाप ने कितने कश्मीरियों को मार दिया गया, किसी एक कश्मीरियों को भगा दिया गया, किसी एक कश्मीरियों को, करोड़ों कश्मीरियों को मुसलमान बना दिया गया। वो क्या कैसा ब्राह्मण है ये तो बताइए हमको। हाँ। अनंतनाग में अभी आप कह रहे हैं मार दिया, अनंतनाग में हमारे डेली शहीद हो रहे हैं जवान, उन पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी बात करें, मीडिया वाला ऐसे ही बोलती है। आतंकवादी भी आज झंडा फहरा रहा है, आपको पता नहीं? ये बीजेपी वाले फौजियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अब चुप हो गए, बहरे हो गए अब। लेकिन एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात कही थी जब मोदी जी ने 2000। वो तो जुमले थे, जुमले थे, अब नहीं आ रहे, अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उसके ऊपर भी राजनीतियाँ करेंगे, राजनीति कर रहे हैं। तो इसे एक और है कि अभी संसद जब नए उसकी हुई है, उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री जी भावुक भी हो गए हैं, लेकिन जो संसद के कर्मचारी हैं उनको ड्रेस कोड एक लाया गया है कि मतलब गुलाबी। हाँ, उस पर अब विपक्ष आपत्ति जता रही है कि ये अपने चुनाव चिन्ह को दर्शा रहे हैं, तो ये सही है? आप क्या सोचेंगे? चलो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे मर्जी फूल डाले, चाहे मच्छी डाले उसमें, कुछ भी डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो बोल लेकिन कमल का फूल उनका चुनाव चिन्ह, इस वजह से विपक्ष कह रहा है कि कमल ने नहीं करना चाहिए। लगा लेने दे, क्या हो गया? फूल डाल दिए, क्या हो गया? डाली जाने दे, डाली जाने दे, विपक्ष गलत कह रहा है मतलब इस चीज़। हाँ, डाली। अच्छा, तो अनंतनाग में जो अभी हुए हैं इसके ऊपर 5 शहीद हुए हमारे, उस पर अब मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन,
और तमाम खबरें आती हैं कि हमारे जवान शहीद होते हैं, एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो विफल हुई है क्या? देखो जी ऐसी है, दो चीज दो चार फिर बम फेंक देंगे और क्या, खाली जगह पे, हाँ खाली जगह फिर बम दो चार बम फेंक दिए, छुट्टी हो गया पूरी में, मतलब खाली जगह थी वो। और क्या, और क्या थी, खाली थी और क्या, दिखा दो आप, कहीं ना कहीं दिखाई तो देता कहाँ मरे हैं। वो तो वहाँ फौजियों को पता नहीं था भाई कितने मरे हैं कितने नहीं मरे, वो तो बम फेंक के आ गए थे। हमारा मनंदन था, फंस गया था मनंदन को, जानते हो, उसको वापस कर दिया था। अगर 400-500 मरा होता तो उसको वापस कैसे कर देते हो? हाँ मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब खाली कांग्रेस सही है, उल्टा समझाता है, समझाने सीधा समझाता, हाँ सीधा समझाने का मेरे पास माइंड, तुम सीधा समझ। ये आतंकवाद को किसने पैदा किया? फिल्म दुनिया में आतंकवाद को, ये तो बताइए हमको, आतंकवाद को किसने पैदा किया? किसने? दाऊद इब्राहिम को किसने पैदा किया? किसने? हाँ ये कांग्रेस ने पैदा किया, कांग्रेस ने। तो क्या कांग्रेस का समय में था? आज कहाँ, अब तो कांग्रेस नहीं, अब तो इंडिया है, अब तो कांग्रेस इंडिया, अब तो इंडिया है। उससे अब आपको तकलीफ क्या हो रही है? भारत में आपको क्या तकलीफ हो रही है? कोई कुछ तकलीफ पड़ता है? अरे 2014 में पहले हटा देते इंडिया को, सोनिया प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले हटा देते इंडिया, प्रधानमंत्री आपको तकलीफ हो रही है? मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ये बताओ, वैकेंसी नहीं है, मोदी रहेंगे प्रधानमंत्री? मुझे तो थैले की तैयारी लग रही है, थैले की तैयारी लग रही है। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर जो वोट पड़ेंगे ना आपके, वही पड़ेंगे। महंगाई कुछ नहीं है, कांग्रेस के जमाने में 50 रुपया मिलता था, आज 500 रुपया मिल रहा है। महंगाई नहीं है, ये लोग 50 से 500 पहुंच गए हैं, इटालियन चश्मा लगाया हुआ। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।